हेलो दोस्तों, देखिए आज प्याज का पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। हरा प्याज से अभी सीजन में हरा प्याज मिल रहा है, इसलिए हरा प्याज से बना रहे हैं। बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है। देखिए सबको साफ़ कर लिए, एक एक करके सबको साफ़ करना पड़ा। छोटा छोटा है बहुत, अभी उसी में से इसको धो रहे हैं। अब एक एक करके धो रहे हैं। इसको काटने से पहले ही धोना चाहिए, नहीं तो इसमें पानी बहुत चला जाएगा काटने के बाद धोने से। लेकिन हम काटने के पहले ही धो लिए। उसके बाद सब अच्छा से धो लेंगे एक एक करके, नहीं तो इसमें घिस घिस रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा से सब धोना पड़ा एक एक करके, मिट्टी था ना इसीलिए धो लिए। अब इसको काट देंगे छोटा छोटा, मेही मेही काटेंगे इसको। देखिए इतना सारा है, सबको धोकर और छन्नी में रखे हैं। अब सबको काटेंगे थोड़ा थोड़ा करके, सबको अच्छा से काट लेंगे। उसके बाद बनाएंगे, देखिए इसको अब डालेंगे सब, नमक हल्दी सब डाल के थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। नमक डाल रहे हैं, उसके बाद बेसन डाल रहे हैं। देखिए 4 चम्मच बेसन डाले, हरा मिर्च नहीं डाले हैं इसमें, वो पाउडर ही डाल दिए। ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए बच्चा लोग का, इसलिए मिर्च पाउडर डाल दिए। और हल्दी डालेंगे, हल्दी डाल दिए, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। बेसन और नमक, मिर्चा पाउडर और हल्दी, बस चार चार चीज़ ही डाले। उसके बाद सब डाल के मिक्स कर देंगे अच्छा से और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए छोड़ देने के बाद ऐसा हो गया, गीला गीला, पानी नहीं डाले थे ऐसे ही हो गया। नमक थोड़ा पानी छोड़ता है ना, इसलिए इसको बना रहे हैं। बहुत आसानी से बन रहा है, गीला नहीं हुआ है, जैसे चाहिए वैसा ही है। बहुत अच्छे से बन रहा है, देखिए खुल भी नहीं रहा है कढ़ाई में, आराम से पक जाएगा इसको। उसके बाद निकाल, देखिए हो गया ब्राउन कलर का हो गया। देखिए अब निकालेंगे इसको, एक भी नहीं टूटा, अच्छा से हो गया एकदम। निकाल के इसको देंगे बच्चे लोग के लिए। देखिए हरा प्याज का पकौड़ा, किस किस को खाना है आइए।